शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट है बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 50 ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 बताओ, 52 में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 इज 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2n माइनस 5 फैक्टोरियल। क्लियरली 2n माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2n माइनस 5, सो यू विल ब्रेक 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। लाइक फर्स्ट यू विल राइट 2n माइनस 3, देन यू विल राइट 2n माइनस 4, देन यू विल राइट 2n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2n माइनस 5 फैक्टोरियल। क्लियर? 2n माइनस 5 फैक्टोरियल 2n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये हो गया अभी 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4। ठीक है, इसमें से एक काम और करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। सो 2n माइनस 3 इंटू 2 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ये 3 टाइम्स कैंसिल। नाउ दिस इज 2n स्क्वायर, दिस इज माइनस 3n, दिस इज माइनस 4n यानी माइनस 7n प्लस 6 इज इक्वल टू 3। क्लियर? सो 2n स्क्वायर माइनस 6n माइनस n 6 माइनस 3 यानी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन n माइनस 3 माइनस 1 कॉमन n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो फाइनली n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू, अरे बोलो यार, 1/2। हाँ, सो n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1/2। नाउ क्रॉस चेक, कंडीशन बस ये कि लॉगरिथम तो है नहीं यहाँ पे, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, बस इतना ही क्रॉस चेक करना है आपको। सो इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 3, इन दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट 3 इंटू 2 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, एंड ऑन द राइट साइड यू विल गेट 3 इंटू 2 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल भी 6 और 6 इंटू 1 फैक्टोरियल भी 6 यानी कि करेक्ट है। सो n इज इक्वल टू 3 विल बी डेफिनेटली एक्सेप्टेबल। Now check n is equal to 1/2. So n is equal to 1/2. 2n is equal to 1. हाँ, तो 2n is equal to 1. यहाँ पे देखो अभी, ठीक है? 2n is equal to 1. 1 minus 3 यानी minus 2 factorial is equal to 6 times. 1 minus 5 यानी minus 4 factorial. तो negative numbers के factorial define होते हैं क्या बोलो? नहीं. Exactly. So answer is only n is equal to 3. Now question is find out sum of all solutions. So sum of solutions कितना आ गया बोलो? 7/2. नहीं बेटा, sum of solution just 3 होगा। 3. हाँ, n is equal to 1/2 acceptable नहीं है। देखो इसीलिए option ये है। तो ये सभी लोग 3 plus 1/2 ही tick करते हैं, लेकिन वो wrong answer है। So final answer is number of solutions 1, solution n is equal to 3, and sum of solutions n is equal to sum of solutions 3. Okay, next question 53 batao. 53 mein koi doubt hai? Question number 53 bolo. Haan sir, ek bar samjhao. बेटा ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था।
और बोला था आपको ये लर्न करना है 2n फैक्टोरियल, यू कैन राइट 2 टू द पावर सर 2 मिनट के लिए 50 सेकंड क्वेश्चन लिखा सकते हो क्या बोल रहे हो 50 सेकंड क्वेश्चन 50 सेकंड हाँ सिंपल है बताओ क्या डाउट है इसमें बताओ सर लास्ट स्टेप वो सम वाला है ना वो कैसे किया आपने यार क्वेश्चन ये है ना कि समेशन ऑफ सॉल्यूशंस तो मेरे को आप ये बताओ सॉल्यूशंस क्या है फाइनली n इज इक्वल टू 3 हाँ तो एक ही सॉल्यूशन है ना हाँ इसलिए आंसर सी आएगा आंसर केवल 3 आएगा बस ओके ठीक है हाँ सर नाउ क्वेश्चन नंबर 53 देखो यार ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन अप टू ऑल ऑड नंबर्स अप टू 2n ऑल ऑड नंबर्स ठीक है ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तुम्हें इसका डेरिवेशन देखना है फिर से तो मेरे को व्हाट्सएप करना मैं तुमको उसका यूट्यूब लिंक से शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्ट किस टाइम पे है ये इसका डेरिवेशन ओके सो 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इनटू n फैक्टोरियल इनटू ऑल ऑड नंबर्स अप टू 2n नाउ क्वेश्चन इज 135799 नाउ क्वेश्चन इज 1357 अप टू 99 क्लियर तो देखो यार 1357 अप टू 99 दिस एक्सप्रेशन विल बी रिलेटेड टू 100 फैक्टोरियल क्योंकि 1357 अप टू 99 ये ऑल ऑड नंबर्स है और ये ऑड नंबर्स मिलने वाले हैं आपको 1 टू 100 तक सो यू विल कंसीडर 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे n है तो 100 है तो क्या यूज होगा बोलो 50 2 टू द पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू ऑल ऑड नंबर्स हो गया सर हाँ बोलो सर 2n माइनस 1 की वैल्यू 99 पुट कर सकते हैं क्या 2n माइनस हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं ओके सर एक ही बात है एक ही बात है एक ही बात है ठीक है तो ये हो गया अभी है ना सो क्वेश्चन इज दिस सो दिस एक्सप्रेशन क्लियरली इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल अब तुम इसको क्वेश्चन से कंपेयर करो अब आप इस एक्सप्रेशन को इस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो तुम बताओ ना k इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो k इज इक्वल टू 100 एंड a इक्वल्स टू 50 हां सो फाइनली k इज इक्वल टू 100 एंड a इज इक्वल टू 50 नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k प्लस a सो व्हाट विल बी द आंसर 150 सिंपल क्वेश्चन है हो गया बस सिंपल देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 सो क्वेश्चन नंबर 54 इज 17c 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 17c n प्लस 5 Clearly, first possibility is both tails are same, and second possibility is both tails having summation. Both tails summation is equal to 17. 17. हाँ, simple है. Now using transposition, n is equal to 8. और यहाँ पे कितना आ रहा है check कर लेते हैं. 2n plus n 3n plus 2 is equal to 17. N is equal to 5. लेकिन यार इतना नहीं करते हैं ना. Cross check भी करते हो आप. ऐसे नहीं कि बस ही answers आ गए. तो भी क्रॉस चेक भी करो n इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं यहाँ पे यू विल गेट 17c 8 इंटू 2 16 माइनस 3 यानी कि 13 एंड ऑन द राइट साइड यू विल गेट 8 प्लस 5 13 करेक्ट n इज इक्वल टू 5 पुट करो 17c 5 इंटू 2 10 माइनस 3 7 17c 5 प्लस 5 10 तो ये भी करेक्ट है प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर प्रॉब्लम इन द सेंस हेड एंड टेल शुड नॉट बी नेगेटिव चेंज फ्रैक्शनल बस इतना सो फाइनली आंसर्स आर n इज इक्वल टू
n is equal to 8 13 and n is equal to 5. Question is find out sum of all solutions. So sum of solutions kya kya bolo? 13. Simple question. Ho gaya. Any doubt? No sir. No sir. ठीक है ये नोट मत करो यार है ना ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ ग्रुप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 में कोई डाउट है बताओ यार. इसके लिए काफी सारे लोगों के व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर क्वेश्चन गलत रॉन्ग है क्वेश्चन रॉन्ग है. इसके नहीं बोल सकते यार आप क्वेश्चन रॉन्ग है. क्वेश्चन करेक्ट था ये. हाँ सर उसमें हेड माइनस टेल करना था फिर. एग्जैक्टली ठीक है. पेपर के टाइम पे काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे सर एक क्वेश्चन रॉन्ग है. ऐसा नहीं है करेक्ट क्वेश्चन है. आप ये पेयर बनाओ. सो दिस विल बी 15C 8 एंड दिस विल बी 15C 9. फाइनल समेशन इज 16C 9. इसके अकॉर्डिंग के प्लस पी कितना आ रहा है बोलो? 25. लेकिन 25 ऑप्शंस में नहीं है यार. तो फिर आप इसको ये भी यूज कर सकते हो ना हेड सी हेड माइनस टेल. इसके अकॉर्डिंग के प्लस पी कितना आ रहा है बोलो? 23. Any doubt? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 56 बताओ. 56 में डाउट है? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 56 इज n इनटू n माइनस 1 p r माइनस 1. बेटा ये आपको बताया था ncr इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू 57 सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल एंड npr इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. हाँ बिल्कुल. Now this expression is n into. देखो इसको थोड़ा सा observe कर लो यार ना. This is head factorial upon head minus tail factorial. अच्छा ये pen की जो tip है, इसका size बड़ा करने का कोई option होता है क्या? एक second देखो इसमें देखते हैं कोई option है. नीचे ऑप्शन है वहां पे देखो. पेन बटन मोड नहीं ऐसे तो नहीं ऑप्शन देखते हो चलो बोलते हैं. So this is head factorial upon head minus tail factorial. Clear? Now this will be head factorial upon. अरे यार बोलो head minus tail. N minus r factorial. N minus r factorial. Exactly. And this is n into n minus one factorial. This will be. N factorial by n. N factorial upon n minus r. तो ये क्या बन गया अभी? NPR. Option. A. A. Correct answer. Okay, next question. Question number 57. ये हो गया होगा यार सभी लोगों से ना. हाँ सर. Question 57 discuss करना है क्या बोलो? करो discuss. नहीं सर. NCR minus 1, NCR और NCR plus 1. This is 2K. This is 4K and this is 5K. 5K. हाँ ठीक है. अब यार ये आपको बताया था ऐसे टू क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासेस में सॉल्व किए थे. आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो दिस NCR अपॉन NCR माइनस 1. क्या होता है बोलो? N माइनस R प्लस 1 अपॉन R. ठीक है. सो क्लियरली 2 अपॉन 1 you will get NCR upon NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 upon R is equal to 4 upon 2. Then
एंड 4 अपॉन 2 इज 2. हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2r. Clearly n प्लस 1 इज इक्वल टू 3r. तो ये है इक्वेशन नंबर, इसको मैं कैपिटल वन तो कुछ नहीं होता यार, मतलब इसको मैं वन बोल देता हूँ ना. ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3 यूज किए हुए हैं, तब भी समझ गए ना यार आप लोग, ये मेन इक्वेशन है. हाँ सर. हाँ नाउ इन दोनों को यूज करते हैं. अमित राज, 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 3? 3 डिवाइडेड बाई 2. एग्जैक्टली 3 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, सो दिस विल बी एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर इज इक्वल टू 5 अपॉन 4. हाँ ठीक है, अब इसको ओपन करो यार. तो ये होगा एन माइनस आर के प्लेस पे क्या यूज करने वाले हो, एग्जैक्टली एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. आर एक्चुअली यहाँ पे आर प्लस 1 यूज करते हैं, जो ग्रेटर होता है ना वो यूज करते हैं. ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये विद नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल. सो 4 टाइम्स एन माइनस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स आर प्लस 1 प्लस 1. नाउ दिस इज 4n माइनस 4r इज इक्वल टू 5r प्लस 5. क्लियरली 4n माइनस 5 इज इक्वल टू 9r. सेकेंड इक्वेशन. अभी क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n माइनस r, तो आपको n और r ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे अभी, है ना. तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूँ मैं, r एलिमिनेट कर देते हैं पहले, एलिमिनेट r. सो n प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4n माइनस 5 अपॉन 9. तुम ये भी कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके सबस्ट्रेट भी कर सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 3 टाइम्स कैंसिल, 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 4n माइनस 5. n इज इक्वल टू बोलो 8. n इज इक्वल टू 8. यू विल सब्स्टिट्यूट आइदर वन ऑफ दिस इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. सपोज फॉर इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं, सो 8 प्लस 1 9 अपॉन 3, r इज इक्वल टू 3. ये भी यूज कर सकते हो, 8 4 जा 32 माइनस 5 27 अपॉन 9 3. सो फाइनली n इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 3, सो n माइनस r इज इक्वल टू 5. आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन. सो ऑप्शन डी. हाँ करेक्ट. एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 58 बताओ. नहीं सर. 58 डिस्कस करना है? नहीं सर. नहीं सर. हो गया 58 है ना? हाँ. यार बोलो किसी को 50 डिस्कस करना है तो बताओ जल्दी से. सर कर लो ना एक बार. क्वेश्चन नंबर 58. क्या नाम है बेटे आपका? नीरल. अच्छा नीरल, तुम्हारे मार्क्स यार बहुत कम आए नीरल, तुमने इसको काफी अच्छे से मेहनत की थी वैसे. नीरल क्या हुआ था एग्जाम में? सर टाइम. देखो सुनो, 50 cr + 50 cr + 1 एंड लिमिट्स है r इज इक्वल टू 0 टू 50. दिस इज सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन. ठीक है, पहले यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करो, दिस विल बी 51 cr + 1 अच्छा एक प्रॉपर्टी देखो, ये भी होता है एनसीआर, कहाँ पे लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ. एक प्रॉपर्टी ये भी होता है एनसीआर अपॉन
सॉरी एन सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, मतलब ये एन और यहाँ पे आप आ लिख देते हो और माइनस वन कर देते हो, ठीक है। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 51 अपॉन आर प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 एंड आर प्लस 1 माइनस 1 यानी आर आर। कोई डाउट? अभी कैंसिल हो जाएगा, अभी ये 50 सीआर और ये 50 सीआर क्या हो गया बोलो? कैंसिल। हाँ अब ये तुम्हें समझ में आता है ना, ये रेसिप्रोकल होगा अभी। हाँ आर प्लस 1 बाय हाँ तो ये हो गया आर प्लस 1 अपॉन 51। नाउ पुट आर इज इक्वल टू 0, अब सिग्मा यूज करते हैं। R is equal to 0, 0 plus 1 यानी 1 upon 51, 2 upon 51, 3 upon 51, 4 upon 51, up to 50 upon 51. 51 तो LCM आ गया, पर यार अब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये arithmetic progression है। हाँ so summation will be 51 upon 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 52, करेक्ट? हाँ। ये कैंसिल, आंसर इज 26। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए। बस हो गया, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 बताओ। नहीं सर, इजी है। 60 बताओ। नहीं सर, इजी है। डिस्कस करना है 60? नहीं सर। नहीं सर। 61 बताओ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या कॉन्स्टेंट टर्म या फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, ठीक है। तो इसको लिखो पहले जनरल टर्म। सो जनरल टर्म विल बी 9CR, कुछ भी लर्न नहीं करना है, बस इतना माइंड में रखो, हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर टू द पावर नाइन माइनस आर एंड सेकेंड नंबर टू द पावर आर, ठीक है। यहाँ पे अभी एक सेपरेट कर लो पूरा यूजिंग इंडाइसेस। So this will be 9CR, 3 upon 2 power n minus 9 minus r, minus 1 upon 3 to the power r, x to the power 18 minus 2r upon x to the power r. इसको अभी लिख दो 18 minus 3r. हाँ. So this is x to the power 18 minus 3r. Now for constant term, या term independent of x, या term free from x. x to the power 0, clearly 18 minus 3 r is equal to 0, r is equal to 6. So actually term कौन सा रहा होगा? 7th term. कि हमें find करना है coefficient, तो r is equal to 6 यहाँ पे put करो. So this will be 9c6, 3 upon 2 whole power 9 minus 6 and minus 1 upon 3 whole power 6. Again negative to the power even number, answer will be positive. So this is 9C6, 3 to the power 3, 2 to the power 3, 1 upon 3 to the power 6, cancel 3 to the power 3. So final answer is 6 to the power 3. Koi doubt? No sir. No sir. Simple question hai, bas ho gaya. पूछो यार, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 62 किसने किया ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 62
सर मेरा आंसर तो भी आया था लेकिन मेरे यानी गलती से सी हो गया, पता नहीं लेक वो सी ऑप्शन थे। अच्छा बेसिकली जो गलती नहीं होनी चाहिए थी गलती से वो तुमने गलती कर दी गलती से। अच्छा ठीक। सो द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 1 अपॉन x + 2x होल पावर n n है सर। हां 1 अपॉन x + 2x होल पावर n। तो यार अब मेरे को बताओ ना कि कोफिशिएंट्स के समेशन फाइंड करने के लिए आपको बोला था पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1। हां ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1 बेसिकली। तो 1 अपॉन 1 1 2 इनटू 1 1 2 + 1 3 3 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n इज 6 5 6 1 व्हिच इज 3 टू द पावर 8। ये आपको सोचना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। सोचना कैसे पड़ता है 6561 इसको फैक्टराइज कर दो, समझ गए ना, कर सकते हो। सो n इज क्लियरली एट। नाउ क्वेश्चन इज 1 अपॉन x + 2x होल पावर 8 फाइंड आउट। क्या क्वेश्चन है देखो, द कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। ठीक है लेकिन इसका जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं 8 cr 1 अपॉन x होल पावर 8 माइनस r एंड 2x होल पावर r। दिस इज 8 cr सिंपल है यार, तो 2 टू द पावर r और x टू द पावर r अपॉन x टू द पावर 8 माइनस r। तो r को एक काम करो ना आप, 8 माइनस r के एक बार कर दो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। सो 2r इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 4। आंसर इज 8c4 2 टू द पावर 4 ऑप्शन बी। बी अभी मत बोलना 2 टू द पावर 4 नहीं है वहां पे, 2 टू द पावर 4 को से 16 हो जाएगा। ठीक है यस हां सर, सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करते हैं पेज चेंज नहीं करते हैं, राइट साइड में स्पेस है ना, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है मुझे क्या है स्पेस वेस्ट करना ठीक नहीं लगता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 63 में कोई डाउट है बोलो। नहीं सर, नहीं सर। सिंपल क्वेश्चन है। 64 बताओ, 64 में कोई डाउट। नहीं सर, नहीं सर। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल दिस। सर ये भी क्लास में डिस्कस किया था, ये भी क्लास में डिस्कस किया था बिल्कुल, लेकिन क्लास के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस था। नहीं सर ये नहीं लिया था अपने क्लास में, जो दूसरा लिया था। और यहाँ पे पावर कितना आ रहा है बोलो। हाँ, सिक्स। डिस्कस करना है क्या बताओ। नहीं सर। चलो ये देख लेते हैं, तुम देख लेते। तो इसको एक्सपेंड करो, दिस विल बी 6c0 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल। तो इसके ऊपर आएगा जीरो, जीरो को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो होता है वन। देन 6c1 x टू द पावर 5 और x cube minus 1 under root के ऊपर 1, तो केवल under root ही आएगा, समझ गए? हाँ सर। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे simultaneously ये expansion भी एक बार लिखते हैं, तो पता हो जाएगा हम लोगों को, clear हो जाएगा कि कौन से term cancel होने वाले हैं। Power 6, this will be 6c0 x to the power 6 and this to the power 0, this to the power 0 will be plus. Then c1 x to the power 5 and this to the power 1, so negative or positive? Negative. Exactly. फिर यहाँ पे है plus sign question में,
मतलब आप इन दोनों को ऐड करोगे और ये टर्म क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल। हाँ, इसका मतलब टेल इवन विल बी रिमेनिंग, यस और नो? प्रेयर बोलो, कोई डाउट है तो इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है सर। तो जितने भी इवन टेल्स है ना, बस वो आप नोट करो यहाँ पे। तो ये हो गया 6c0 x टू द पावर 6, देन 6c2 x टू द पावर 4 4 और x क्यूब माइनस 1 अंडर रूट पावर 2, तो जस्ट ये आ गया। Then 6c4 x to the power 2 और x cube minus 1, बोलो क्या आएगा, बताओ अभी? Square। प्रथमेश कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो आप ये ना। Then 6c6 x to the power 0 x cube minus 1 to the power 3। ये समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, या 3 क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट है वहां पे, तो स्क्वायर रूट के ऊपर आप पावर अप्लाई कर रहे हो 6, सो दिस विल बी 3। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, यार सिंपल हो गया। देखो यार, ये पावर कितना अवेलेबल है यहाँ पे बोलो? ये पावर अवेलेबल है 6, यहाँ पे कितना पावर अवेलेबल है बोलो? 7। यहाँ पे कितना पावर अवेलेबल है बोलो? 8। क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करोगे 6 एंड प्लस 2 8, और यहाँ पे कितना पावर अवेलेबल है? 9। So this will be D. 10 degree polynomial. Any doubt? No sir. Okay. Next question. 66 में कोई doubt है? नहीं sir. इजीली कर सकते हो आप तो, वैसे ही क्वेश्चन है। नहीं सर। 67 में कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। हां सर, एक बार डिस्कस की। 67 तो सिंपल है ना, इफ द सम ऑफ द सीरीज इज दिस देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67, समेशन इज 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 अप टू दिस, ये टोटल समेशन गिवन है आपको। दिस विल बी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, अगेन लास्ट टर्म पता नहीं है हम लोगों को, सो यू विल यूज 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। 2a यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 इनटू d इज 3, सो दिस इज n अपॉन 2, दिस इज 3n माइनस 3 प्लस 4 यानी प्लस 1, 60100। एनी डाउट? नहीं सर। दिस इज 200, 0 और 120 इज इक्वल टू एन इंटू थ्री एन प्लस वन। अरे काम करो यार आप लोग, ठीक है, इसको सॉल्व करने, इसको सॉल्व मत करो क्योंकि क्वाड्रेटिक है, बेस्ट ऑप्शन की वैल्यू। हाँ बिल्कुल, तो वैल्यूज पुट कर लो तुम्हें पता चल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, 68 में डाउट है? हो गया तुम लोगों से? सर हो गया 60, हो गया सर 69, आ गया नहीं सर, आ गया 69, देख लेते हैं या 68 भी देख लेते हैं ना, कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा। 68 इज, इफ द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन द सम इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म है ए पी और लास्ट टर्म आपको गिवन है सी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं एन टर्म्स, क्या फाइंड करना है आपको? सम, सम एसएन। हाँ
तो क्लियरली समेशन विल बी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. हाँ तो बेसिकली यहाँ से एन एलिमिनेट करना है आपको जस्ट, ठीक है. और एन तो वैसे फाइंड कर सकते हो. टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो सी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस वन इंटू बी माइनस वन. डी इज बी माइनस ए. डी इज बी माइनस ए. So n is equal to c minus a upon b minus a plus 1. Clear? हाँ, हाँ सर. बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं. दिस इज b माइनस ए सी प्लस बी माइनस टू ए. तो फाइनल आंसर आ गया अभी ये b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू ए प्लस सी अपॉन बी माइनस ए. ये फाइनल आंसर है. ऑप्शन सी. एनी डाउट? नो सर. पूछो यार, किसी को कोई डाउट है तो बताओ. इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप बोल सकते हो. नहीं सर. देखो यार, सबसे पूछना थोड़ा सेपरेट सेपरेट और इंडिविजुअली थोड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन में. तो प्लीज कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो. 69 क्वेश्चन नंबर 69 में डाउट? नो सर. एक बार बताओ ना. सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज इक्वल टू. यार ये बताया था आपको. टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे? 11. सपोज करो स्टार्टिंग टर्म है ए, लास्ट टर्म है बी, तो मिडिल टर्म एक ही होता है ना. मिडिल टर्म होता है क्या? ए प्लस बी अपॉन टू. और ये कितना गिवन है आपको? 30. ठीक है. समेशन ऑफ 11 टर्म्स, S11 मतलब समेशन ऑफ 11 टर्म्स, n / 2 अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट. तो आंसर आ गया 11 इनटू 30. आंसर विल बी 330. सिंपल क्वेश्चन. क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 बताओ. हो गया सर. हाँ सर, ये एक बार डिस्कस कीजिए. हाँ सर. 70 PR विद द rth टर्म ऑफ एन एपी for r is equal to this, this, this. Okay, if for some positive integers m and n, we have tm is equal to 1 upon n. So tm will be mth term. And this will be a plus m minus 1 into d is equal to 1 upon n. Any doubt? No, sir. Now tn is equal to a plus? N minus 1 d 1 by. This is 1 upon n? ओके. फाइनली फाइंड क्या करना है वो भी देखते हैं. फाइनली फाइंड क्या करना है वो एक्सप्रेशन भी आप नोट करके रखो तो बेस्ट है. एमएन करना है आपको. ए प्लस एमएन माइनस वन इनटू डी. ये एक्सप्रेशन फाइनली फाइंड करना है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं इसको ना. सबस्ट्रैक्ट कर दो आप एक काम. तो ए कैंसिल. एम डी माइनस एन डी यानी एम माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे आएगा माइनस डी, दिस विल बी प्लस डी. कैंसिल. इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम एल सी एम एम एन. दिस इज एम माइनस एन, दिस इज एम माइनस एन डी. एम माइनस एन कैंसिल. सो डी इज इक्वल टू वन बाय एम एन. ठीक है, ठीक है. ओके, अब मेरे को आप इतना बताओ कि इस ए फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो बेटा. हाँ, ए विल बी वन अपॉन एन माइनस एम माइनस वन इनटू डी प्लस एम एन
प्लस एम एन माइनस वन बाय एम एन डी. सर डी को बाय एम एन लिखेंगे ना, वन अपॉन एम एन. हाँ वो लिख लेंगे, वो लिख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिख लेंगे, उसका टेंशन ना, वो लिख लेंगे. ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सो ए इज इक्वल टू वन अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, एम माइनस वन इंटू डी, करेक्ट है? सो वन अपॉन एन माइनस एम माइनस वन एंड डी इज so mn, this will be m minus n m plus 1. ये करेक्ट हो गया, समझ में आया अभी आपको? सो a इज ऑल्सो 1/mn. अरे यस और नो? यस सर. यस सर. हाँ, यानी a और d सेम ही है. तो ये हो गया क्वेश्चन अभी, a प्लस एम एन डी माइनस डी, डी एंड और ए कैन. सो दिस इज एम एन डी. फाइनल आंसर इज वन. यस. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन ओके मेथड नहीं है. फाइंड आउट द समेशन ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. तो 24 टर्म्स का एक्सप्रेशन एक बार लिख के रखो अभी ना. तो 24 अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d, correct? हाँ. Okay, now information given is a1, a5, a10, a15, a24 or a20, sorry a20 or a24. ठीक है. a1 is a1 तो a1 ही होता है ना. अच्छा a है ना. a5 is a plus 4d. 4d. n is a plus 9d. a15 is a plus 14d. A20 is A plus 19D. A24 is 19. A plus 23D. Is equal to 2 to 5. Total कितना है आगे यहाँ पे? 6 है आगे. और D count करो, 4 plus 9 13 plus 27 37 और 9 46 और ये 69. So clearly A plus 23D is equal to 90. आगे आंसर समझ में? सॉरी 2 आएगा यहाँ पे. हाँ. नाउ दिस इज आंसर इज 12 इनटू 75. हाँ. 750 प्लस 150. यस सर. एनी डाउट? नो सर. No, 74 बताओ. नो सर. डिस्कस करना है 74. सर एक बार बता दो. ठीक है, देखो सुनो, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, आपको ऐसे नहीं करना है. अब अपने माइंड से कोई भी एपी कंसीडर कर लो. जस्ट क्या एपी लिखो बताओ, कोई भी एपी बता दो यार. 5, 10, 15, 20 ऐसा लिख लेते हैं. ठीक है, 25 कर लेते हैं. पीएच, क्यूएच एंड आरएच कौन से टर्म्स लेने हैं वो बताओ. नहीं ऐसे बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है या सेकंड थर्ड फोर्थ लेना है, ऐसे बताओ. फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो ये हो गया 5, 10, 1, 2, 3. And term is ABC. A is equal to 5, B is equal to 10 और C is equal to 15. Now question देखते हैं. A times Q minus R. So A times Q
क्यू माइनस आर माइनस वन प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी टू प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू माइनस वन, कितना आंसर आ गया बोलो? जीरो, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? हाँ सर। हाँ, प्रॉपर मेथड से करना है तो वो भी कर सकते हो। ith टर्म यानी tp, tp विल बी a प्लस p माइनस वन इंटू डी। हाँ, लेकिन मैं अभी a यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि a ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर, मैं अल्फा बीटा यूज कर रहा हूँ। सो अल्फा प्लस p माइनस वन बीटा इज इक्वल टू a, कोई डाउट? नहीं सर। tq अल्फा प्लस q माइनस वन इंटू बीटा इज इक्वल टू b। rth टर्म अल्फा प्लस आर माइनस वन इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। हाँ, अब ये बेटा जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा यार। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्यू माइनस आर गिवन है, दिख रहा है आपको क्यू माइनस आर? हाँ। तो फोर क्यू माइनस आर सब्स्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो एक बार टू माइनस थ्री करते हैं। तो टू माइनस थ्री करोगे, अल्फा अल्फा कैंसिल, यू विल गेट q माइनस आर बीटा इज इक्वल टू c माइनस बी माइनस। हाँ, अब ये ऑब्जर्व करो, r माइनस पी ऑब्जर्व करो, r माइनस पी, तो r माइनस पी यू विल गेट c माइनस वन। हाँ, सो r माइनस पी बीटा इज इक्वल टू p माइनस a। अभी ये p माइनस q ऑब्जर्व करो, p माइनस q, ये रहा फर्स्ट माइनस सेकेंड, सो p माइनस q बीटा इज इक्वल टू माइनस b। नाउ क्वेश्चन इज, a times q minus r plus b times r minus p plus c times q minus r is b minus c upon beta plus b times r minus p, r minus p is c minus c upon beta। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। And p minus q is a minus b upon b minus b beta। हाँ, तो upon beta आ जाएगा, ऊपर सब कुछ cancel हो जाएगा, final answer कितना आएगा? Zero। Zero। कैसे कैंसिल आउट हो रहा है? देखो ये हो रहा है, ए बी यहाँ पे है माइनस ए बी, दिस इज प्लस बी सी, दिस इज माइनस बी सी, दिस इज प्लस ए सी, दिस इज माइनस ए सी। ओके, यस सर। 75 में कोई डाउट है बोलो? सर एक बार बता दो। क्वेश्चन 75, which term of the sequence is first negative term? So sequence है 20, 19 and 1 upon 4, 18 and 1 upon 2, तो मैं समझ में आ गया होगा, clearly ये AP है, और D कितना है इसका बोलो? 3 by 4, minus 3 by 4, minus 3 by 4, हाँ, sorry। अब question है, which term will be first negative term? तो मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, काफी लोग क्या करते हैं, इसमें जीरो पुट कर देते हैं, जीरो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि 30, 25, 20, 15, which will be first negative term? Definitely first negative term क्या आएगा इसके अंदर? Minus 5. Minus 5. समझ आ रहा है ना? हाँ सर। लेकिन इस सीक्वेंस में आप नहीं बोल सकते कि यार exactly first term क्या आने वाला है। हाँ सर। हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो एक बार अच्छे से। tn a plus n minus 1 into d, कोई डाउट? नहीं सर। एंड दिस शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो, जीरो का मतलब होता है इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। एनी डाउट?
दिस इज 20 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू एन माइनस 1 लेस देन 0. अभी कोई डाउट? नहीं सर. दिस इज 20 लेस देन 3 अपॉन 4 एन माइनस 1, इसमें कोई डाउट? नहीं. ट्रांसपोजिशन करके इसको राइट साइड लेके आ गए. 80/3 लेस देन एन माइनस 1, इसमें कोई डाउट? नहीं. या फिर n माइनस 1 ग्रेटर देन 80 अपॉन 3, इसमें कोई डाउट? नहीं. 80 अपॉन 3 ऑलमोस्ट कितना होता है बताओ? 26.66. हाँ, 27. n ग्रेटर देन 27.66. तो n मिनिमम कितना पॉसिबल है? 28. या सर, इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 28th टर्म. Term will not be 28 here, right? Term 28 term. This is first negative. Sir. हाँ बोलो. Alternate method है क्या? बेटे alternate method में आपको बोल रहा हूँ ना. आप random sequence के लिए alternate method नहीं है. ये method proper method है. एक random sequence में. Suppose करो question ये होता. 30, 27, 24. Definitely first negative term क्या आने वाला है बोलो? माइनस थ्री. तब आप डायरेक्ट कर सकते हो माइनस थ्री इज इक्वल टू 30 प्लस एन माइनस 1 इनटू डी. तो डायरेक्ट एन का वैल्यू आ जाएगा. लेकिन सपोज पर आप कंफर्म नहीं हो कि यार कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म आने वाला है, तब कुछ नहीं कर सकते. तो आपको यही करना पड़ेगा. ठीक है सर. हाँ, tn कंसीडर करो और उसको लेस देन 0 करो. तुम्हें कोई और मेथड माइंड में आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर. ठीक है, तो यही बेस्ट मेथड है. और नहीं है आपको टर्म का नहीं पता है तो फिर ये कर सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देन यू विल पुट n इज इक्वल टू 28 एंड दिस विल बी 28 माइनस 1 27 माइनस 3 अपॉन 4. सो 4 80 माइनस 81 यानी माइनस 0.2. This will be first negative term. But term का order क्या है? 28th order. Okay. Yes sir. Any doubt? No sir. No sir. तो paper discussion complete हो गया है. कोई और doubt है तो आप बोल सकते हो. नहीं सर, और कोई डाउट? शीट पे आते हैं भैया. मेनली आज हम लोग डिस्कस ही करने वाले हैं. आपका संडे को एक लेक्चर और होगा मैथ्स का, तब जीपी कंटिन्यू करेंगे. ओके, शीट पे आते हैं. बताओ शीट में क्या डाउट है बोलो. क्वेश्चन नंबर, हाँ, सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है किसी को? सर, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं. देखो, अरिथमेटिक मीन ऐसे होता है एक्चुअली, जैसे सपोज करो टू नंबर्स हैं, एवरेज होता है ना, एवरेज. हाँ सर, वही अरिथमेटिक मीन. वही अरिथमेटिक मीन होता है. लाइक टू नंबर्स है यहाँ पे कोई भी ए एंड बी, सो अरिथमेटिक मीन ए एम विल बी ए प्लस बी अपॉन टू, करेक्ट? थ्री नंबर से है, अरिथमेटिक मीन विल बी दिस. ठीक है सर, वो थ्री नंबर्स एपी में होने चाहिए ना, कंपलसरी? हाँ, वो तो नहीं 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 नहीं, ये कंपलसरी, ये एक्चुअली कंपलसरी नहीं होता है. लेकिन क्योंकि अरिथमेटिक मीन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब आप ये बोल सकते हो, मीन डिफाइंड फ्रॉम, डिफाइंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्योंकि जब आप क्लास में एवरेज फाइंड करते हो ना, तो वहां पे रैंडम नंबर्स होते हैं. अरिथमेटिक मीन को तुम ऐसा बोल सकते हो, मीन डिफाइंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है? हाँ सर. कई बार एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, थोड़ा समझने का ट्राई करना इस क्वेश्चन को. फाइव अरिथमेटिक मीन्स आर डिफाइंड बिटवीन वन एंड
लेट्स से 8 फाइंड आउट दोस. नील क्या क्वेश्चन है रीड करो एक बार इसे. 5 अरिथमेटिक मींस आर डिफाइंड बिटवीन 1 एंड 8 फाइंड आउट दोस. एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि 1 और 8 इनके मिड में आपने कितने अरिथमेटिक मीन डिफाइन किए. 5. हाँ तो सिंपल सा बस ये है कि ये पूरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्लियर सर कैसे. क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स का मतलब डिफाइंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 1 और 8 के बीच में आपने कितने नंबर्स डिफाइन किए हैं. 5. सच दैट ये पूरा सीक्वेंस एक अरिथमेटिक है. मेरे को आप ये बताओ टोटल टर्म्स कितने हो गए यहां पे. 7. तो ये टर्म है टी. 7. Exactly. So, आप इजीली इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो. 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6d 7 माइनस 1d. सो d इज इक्वल टू 7/6. a1 आएगा बेटा 1 प्लस d. करेक्ट है. a2 आएगा 1 प्लस 2d. बेटा a2 एक्चुअली थर्ड टर्म है. A4 will be, A3 will be 1 plus 3D. 3D. A4 will be 1 plus 4D. और A5 will be 1 plus 5D. या फिर ऐसे भी कर सकते हो A5 को तुम 8 minus D भी कर सकते हो. हाँ. एक ही बात है वो तो कुछ भी यूज़ कर लो. ठीक है. हाँ सर. हाँ ओके. तो क्वेश्चंस पे आते हैं भैया. प्रैक्टिस शीट ये दिख रहा होगा सभी लोगों को अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 1-5 में कोई डाउट है बताओ. नहीं सर कोई डाउट. या तुम लोगों ने सॉल्व तो किया है ना ये. हाँ सर. हाँ तुम पागल तो नहीं बना रहे हो ना मुझे सब लोग. नहीं सर वो बस लास्ट के क्वेश्चंस बाकी थे. हाँ कोई बात नहीं जितना होता है. सॉल्व नहीं किया है. क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट जिन लोगों ने सॉल्व किया वो डिस्कस कर. क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है. नहीं नहीं सर. चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं एक बार. सेकंड एंड 31st टर्म एंड लास्ट टर्म इज दिस 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 देन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी. ये तो इजीली फाइंड कर लोगे आप लोग. सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है सॉल्व करना है. सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा तुम लोगों का क्योंकि फिर नेक्स्ट मैं अभी संडे के बाद पे ज्योमेट्री का डालने वाला हूं तो तुम लोगों का वर्क थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा. तो बेस्ट है जल्दी से सॉल्व कर लो इसे. कोई डाउट है तो डिस्कस करो. क्वेश्चन नंबर 3 इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q टाइम्स द qth टर्म then what is p plus q term equal to. ये question है. ठीक है. so p times pth term a plus is equal to q times the q term. अरे यार बोलो कुछ कोई doubt है क्या इसमें. नहीं sir. find करना है आपको p plus q. मैं एक बार चीज फिर से बोल रहा हूँ. एक्सप्रेशन हमेशा नोट करके रखा करो तो इससे क्या आप रेंडम मूव नहीं करोगे. आपको पता रहेगा कि फाइनली कहाँ पे जाना है. तो पी पी प्लस क्यू विल बी ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी. ओके इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. अभी ये हो गया पी ए प्लस पी इंटू पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू ए दिस इज ए एक्चुअली प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी. कोई डाउट. नहीं सर. हाँ अब देखो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है यहाँ पे कि डेफिनेटली फैक्टर्स होंगे यहाँ पे. अभी आप इस टर्म को लेफ्ट में लेके आओ और इसे राइट साइड लेके आओ. दिस इज पी ए माइनस क्यू ए यानी पी माइनस क्यू ए करेक्ट. हाँ इज इक्वल टू डी कॉमन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी. इसमें कोई डाउट सर. अभी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को. हाँ बिल्कुल पहले होता है. इस टाइम में कोई डाउट है किसी को.
नहीं सर p स्क्वायर राइट में आएगा तो माइनस p स्क्वायर माइनस p यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द राइट साइड दिस विल बी प्लस p ओके सो दिस इज d दिस इज q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q प्लस p इनटू q माइनस p हां एंड दिस इज माइनस q प्लस p माइनस कॉमन q माइनस p ठीक है तो यहां पे अभी q माइनस p कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या है बोलो q प्लस p माइनस दिस इज p माइनस q और इनटू a p माइनस q और q माइनस p कैंसिल एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा सो a इज इक्वल टू माइनस d p प्लस q माइनस 1 ये आप यहां पे पुट कर दो इस जगह पे 0 आ जाए तो क्या आंसर आ गया बोलो 0 जीरो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट है बोलो नहीं सर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा था वैसे ना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 6 देख लेते हैं इफ ए बी सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अगेन यार मैं आपको बोल रहा हूं आप वैल्यूज पुट कर दिया करो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां ठीक है सर उसमें 2b इज इक्वल टू a प्लस c कर सकते हो वो भी कर सकते हो वो तो करेंगे ही हम लोग वही करने वाले हैं मेरे लिए लेकिन आपको थोड़ा फास्ट करना है वैल्यूज पुट करना लाइक a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 ये सारे टर्म्स अरिथमेटिक में है ठीक है सो क्वेश्चन इज a प्लस 2b माइनस c तो a प्लस 2b माइनस c कितना आ गया बोलो 2 नाउ 2b प्लस c माइनस a 2b प्लस c माइनस a क्या आएगा बताओ सिक्स नाउ क्वेश्चन a प्लस 2b माइनस c a प्लस 2b माइनस c सिक्स सर प्लस 2b प्लस c प्लस c प्लस c सो व्हाट इज a प्लस 2b प्लस c 7 7 8 आएगा ना बेटा ऑप्शन मैच करते हैं ऑप्शन ए के अंदर ए बी सी का फैक्टर है सो ए बी सी इज 6 सो 6 इनटू 16 विल बी 96 ऑप्शन डी हाँ डब्ल्यू वी जे का मतलब बताएगा कोई क्या होता है वेस्ट बंगाल जे हाँ तो ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल जेई में आया था ये AI ट्रिपली 2004 में आया था AI ट्रिपली क्या होता है अभी जो जेई मेंस का एग्जाम होता है तो वो मेरे टाइम तक मतलब 2011 तक AI ट्रिपली बोलते थे उसको सर उसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम तो 2011 तक क्या होता था पहले आईआईटी जेई का एग्जाम होता था एंड देन आफ्टर वन मंथ आईआईटी का एग्जाम होता था और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्स थे दिस एग्जाम वाज फॉर एनआईटीज एंड दिस वाज फॉर आईआईटी अभी क्या इसको जेई मेंस बनाते हैं इसको जेई मेंस बोलते हैं तो नाउअडेज या फिर आफ्टर 2011 ये पहले होता है एंड देन इसके बाद ये होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 7 में डाउट अच्छा इसको प्रॉपर मेथड से करके तुम लोग ट्राई करना एक बार ये काफी सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी सर 290 आता है ट्राई किया कितना आता है 290
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, या तुम लोग सॉल्व करके आए हो नहीं करके आए हो, पहले बताओ, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया क्या? किया है सर मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, किया है तो जिसने भी किया है क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कोई डाउट है किसी को बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, देन व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल्स टू 299। समझो, देखो एस एन गिवन है आपको 2n प्लस 3n स्क्वायर, ओके? यस सर। ठीक है, मेरे को तुम ये बताओ कि जैसे ये होता s 100 माइनस s 99, ये किस टर्म के इक्वल आएगा बताओ? डी टर्म पता नहीं है, टर्म बता, टर्म लास्ट टर्म होगा सर। हाँ देखो, ये तुम समझने का ट्राई करो, 100 टर्म्स के समेशन में से आप कितने टर्म्स का समेशन माइनस कर रहे हो? 99। तो ये टर्म रिमेनिंग है ना अभी? हाँ। ये टर्म क्या आएगा? 100। कोई डाउट? नो सर। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक पॉइंट है, वो पॉइंट तुम्हें बताता हूँ मैं, ठीक है? सिमिलरली Tn will be Sn minus Sn minus का, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी n टर्म्स के समेशन में से आप क्या माइनस कर रहे हो? n minus 1 टर्म का समेशन। तो क्या रिमेनिंग रहेगा फाइनली बोलो? यही टर्म रिमेनिंग रहेगा, nth टर्म रिमेनिंग है। एग्जैक्टली, सिमिलरली यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर Sn गिवन है आपको, तुम एस एन माइनस वन इजिली फाइंड कर सकते हो, सो दिस विल बी 2 टाइम्स एन माइनस वन प्लस 3 टाइम्स, ठीक है? ये ओपन करते हैं अभी, दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 2n इंटू 3, यानी माइनस 6n प्लस 2n माइनस 4n, कॉन्स्टेंट टर्म 3 माइनस 2, यानी प्लस 4. अरे बोलो 1. नाउ Tn विल बी Sn माइनस Sn माइनस 1, कितना आएगा माइनस करने पे बताओ? अरे दिस 6n प्लस 1, 6n माइनस 1, हाँ सर माइनस, करेक्ट? हाँ सर। और क्वेश्चन में Tn कितना गिवन है देखो? 299। सो 6n इज इक्वल टू 300, n इज इक्वल टू 50। यस, यानी 50th टर्म आएगा ये ऑप्शन बी। सर हाँ बोलो सर, वहाँ पे n की वैल्यू n माइनस 1 क्यों ली है? बेटा ये Sn मतलब n टर्म्स का समेशन, 100 टर्म्स का समेशन बोलते तो n इज इक्वल टू 100 पुट करते, 50 टर्म्स का समेशन बोलते तो 50 पुट करते, n माइनस 1 टर्म्स का समेशन है तो n की प्लेस पे n माइनस 1 पुट किया। हाँ सर समझा। हाँ क्लियर? यस सर सर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, एक काम करो नोटबुक में नोट कर लो, नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख लो, नोट्स में लिख लो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सर। आप ये नोट्स भेजने वाले हो ना? हाँ ये नोट्स में सेंड करने वाला हूँ, बस दिस डजंट मीन कि तुम नोट्स ही ना लिखो, ठीक है? तो नोट्स को प्रॉपर बनाओ अपने, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं है कि जस्ट थ्योरी से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा।
एक क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 15 ट्राई करो एक बार सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेगा, क्या बोल रहा? 15 क्वेश्चन ट्राई करेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली। काफी क्लासिक क्वेश्चन लगता है मुझे 15। करो ट्राई करो, जाहिर एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज द एसएन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स
ऑफ एन एपी इफ एस टू एन टर्म्स का समेशन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एस एन देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एस थ्री एन अपॉन एस एन दिस इज द क्वेश्चन Archit, any doubt? No, sir. चलो डिस्कस करते हैं इसे ना. S2N is equal to 3 times SN. देखो सबसे इजी मेथड बताता हूँ मैं. सपोज करो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है n is equal to 1 पुट करो क्या पुट करो यहां पे सो दिस विल बी h2 is equal to 3 टाइम्स one मतलब 1 टर्म का समेशन अच्छा यार 1 टर्म का समेशन तो फर्स्ट टर्म ही आएगा ना हां तो सपोज करो फर्स्ट टर्म क्या है a तो इसका मतलब h2 कितना आ गया बोलो 3a सो सेकंड टर्म विल बी डेफिनेटली 3 नहीं यार s2 का मतलब होता है हां s2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म a plus 2a एग्जैक्टली सो सेकंड टर्म विल बी 2a देन थर्ड टर्म विल बी 3a तो s3 कितना आ गया बोलो 6a s1 यानी a तो कितना आ गया फाइनली 6 आंसर आ गया ऑप्शन बी Any doubt? Sir, n की कोई भी value put करके कर सकते बेटा n की कोई value put नहीं कर सकते actually suppose करो मैं 2 put करता ना तो problem आता 2 put करने पे s2 यानी 2 terms का summation आता लेकिन मेरे को पता नहीं ना 2 terms कौन से हैं हाँ देखो अब इसको proper method से करना है ना वो भी कर सकते हो तो ये तो हो गया method 1 जो काफी quick method है method 1 में problem केवल एक इसी पॉइंट पे आ सकता है कि सपोज करो यहाँ पे दो आंसर सेम आते हैं या फिर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है तो प्रॉब्लम आ सकता है समझ गए अच्छा मेथड टू देखते हैं अगेन ये भी एक सिंपल मेथड है जस्ट सोच रहे हैं हम लोग कि क्या होने वाला है यहाँ पे सो एस टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एस एन लेट से ये एन टर्म्स है टोटल और इनका समेशन मान लेते हैं पी ए अभी एस टू एन यानी इसके बाद में और कितने टर्म्स होंगे बोलो एन टर्म्स की बात कर रहा हूं ना मैं तो एस टू एन कितना आ गया बोलो थ्री पी यानी यहां से यहां तक टोटल समेशन कितना आ रहा है इसका मतलब ये समेशन कितना आ रहा होगा 2p एग्जैक्टली अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो सर एक बार फिर से समझाइए यार फिर से कुछ हुआ ही नहीं अभी तो स्टार्टिंग में लेट्स से n टर्म्स हैं समेशन है p तो 2n टर्म्स का समेशन हो गया 3p तो ये समेशन p है तो ये समेशन कितना होना चाहिए हां 2p हां अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो सपोज करो ये 5 टर्म्स है ये 5 टर्म्स है और ये 5 टर्म्स है यहाँ पे समेशन है p यहाँ पे समेशन है 2p समेशन इंक्रीज कितना हुआ है बोलो 1 यहाँ पे भी समेशन डेफिनेटली p इंक्रीज होगा सही है 3p बेटा 3p नहीं होगा समेशन समेशन p इंक्रीज होगा तो मतलब यहाँ पे समेशन कितना आ गया
और कोई डाउट है किसी को बोलो. सर ये आपने 3p कैसे माना 2n टर्म्स का. देखो एक तुम एक चीज समझने का ट्राई करो हर्षवर्धन. सपोज करो ये टर्म है, फाइव टर्म्स ले लेता हूँ यहाँ पे ना. इसके बाद में क्या आएगा a प्लस डी, फिर आएगा ए, चलो यहाँ पे लिखता हूँ a a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी और a प्लस फोर डी, यही आने वाला है ना. A plus 5D, A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D और A plus 9D, A plus 10, A plus 11, A plus 12, A plus 13 और A plus 14. ठीक है, कितना समेशन इंक्रीज हुआ 5D. हाँ ये भी 5D, ये भी 5D, ये भी 5D और ये भी 5D. टोटल कितना समेशन इंक्रीज हुआ है 25D. यहाँ पे भी देखो सेम ही इंक्रीज आएगा, ये भी 5D, 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 5D. यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ है 25D. एपी के अंदर ये स्पेशलिटी होता है कि नंबर ऑफ टर्म सेम है ना, तो समेशन सेम अमाउंट से इंक्रीज होता है. सपोज करो यहाँ पे 100 इंक्रीमेंट आता तो यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट आएगा 100. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा है पी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट आएगा पी. तो ये टोटल कितना आ गया 6 अपॉन पी. कितना आंसर आ गया 6. और कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को बोलो. सर मैंने उसे ऐसे सॉल्व किया कि a प्लस n माइनस सॉरी n बाय 2 इनटू 2 a प्लस n माइनस 1. काफी लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन वो भी कर सकते हैं. वो काफी लेंदी मेथड हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरा इक्वेशन बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे, कोई बेनिफिट नहीं है. हाँ ठीक है. हाँ. और किसी क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को बोलो. सर 17th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. S1, S2, S3 denote respectively the summation of first N1 terms, N2 terms, N3 terms of an AP. Then this expression is equal to. ठीक है, एक method तो ये की values put कर लो यहाँ पे आप. एक page fill हो गया. काफी सिंपल क्वेश्चन है 17. एक मेथड तो ये क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो, करेक्ट. जैसे जस्ट अभी n टर्म्स का समेशन, 2n टर्म्स का समेशन 3p. अच्छा वैल्यूज पुट करके तो इजीली कर सकते हो आप, वो डिस्कस करना है क्या. सपोज करो टर्म्स है 135, तो वन टर्म, टू टर्म्स का समेशन और थ्री टर्म्स का समेशन, एन वन वन, एन टू टू और एन थ्री थ्री. तो वन टर्म का समेशन है 1, टू टर्म का समेशन है 4 और थ्री टर्म का समेशन है 9. क्लियर. तो 1 अपॉन 1 एन टू माइनस एन थ्री माइनस 1 अपॉन 2. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये सारे वैल्यूज. ठीक है, एन थ्री माइनस एन 1 विच इज 1 प्लस Thank you.
इधर संजीव यार बेटा म्यूट करो अपने आप को, ठीक है? ओके, सो 4/2 × 1. नाउ S3/N3. S3 इज 9, (n)3 इज 3, (n1 माइनस (n2) विच इज -1. सो -1 + 2 - 3 आंसर विल बी -2. नहीं यार एक सेकंड रुको, कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, एक सेकंड. S1, S2, S3 denote the respectively the first N1, N2 and N3 terms of NAP. Okay, so S1 is 1, S2 yani summation of two terms which is 4, S3 summation of three terms which is 9. So N1 1, N2 2, N3 3, done. Now question is S1 upon N1, 1 upon 1, N2 minus N3 is -1, plus S2 upon N2. H2/N2, ओके, N3 - N1, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये N3 - N1 है? 2. हाँ, यहाँ पे एक्चुअली 2 आया है, so this will be answer 0. 0. आंसर आगे सिंपल क्वेश्चन. सर. हाँ बोलो. सर N1 की वैल्यू 1 क्यों ली? मतलब 1 N2 की वैल्यू 3 आनी चाहिए ना, फिर 2. सर आपने एल्गोरिथम किया ना सिर्फ ऐसे. N2 नंबर ऑफ टर्म्स को बोल रहा है वो. क्वेश्चन ये ढंग से रीड करो पहले. हाँ सर समझे. हाँ अमित्रा जी आप क्या बोल रहे हो? सर पीछे बहुत ऐसे लंबा सॉल्यूशन दिया है उसके इसको. हाँ वो भी कर सकते हो, देखो प्रॉपर मेथड से करना है ना तो वो भी कर सकते हो. S1 विल बी N1/2 (2a + N1 - 1)(d). S2 will be N2/2 (2a + N2 - 1)(d). सर आप लेफ्ट साइड को जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा, आपकी स्क्रीन थोड़ी सरक गई. नहीं यार दिखना चाहिए पूरा स्क्रीन. एक काम करो जूम आउट करो थोड़ा. नहीं सर दिख रहा है पूरा स्क्रीन. जूम आउट करो. दिख रहा है सर. सर दिख रहा है. हाँ अभी दिख रहा है. स्क्रीन जूम आउट करो. सो S3 (N3/2) (2a + N3 - 1)(d). डन. अभी क्वेश्चन रीड करते रहा करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बार बार ऑब्जर्व करो. सो S1/N1, N1 कैंसिल, S2/N2, N2 कैंसिल, S3/N3, N3 कैंसिल. एनी डाउट? (2) आएगा यहाँ पे. दिस इज 2a + N1 - 1d एंड N2 - N3. ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन है. एनी डाउट? नहीं यार कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये प्रॉपर करोगे ना तब भी इजीली हो जाएगा, काफी इजीली हो जाएगा. Okay, so this is 2a + N1 - 1d (N2 - N3). Yes or no? Yes. Plus S2/N2. 2a + N2 - 1d. Multiply with N3 - N1. अच्छा तो मैं देखो मैं और इजी मेथड से समझा के बता देता हूँ. सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं, कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा यहाँ पे. तुम एक काम करो इनको वर्टिकल लिखो तो तुम्हें इजीली दिखेगा यहाँ पे. अच्छा अपॉन टू सब में आ रहा है, ठीक है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. दिस इज 2a + N1 - 1d मल्टीप्लाई विथ 2a + N2 - 1d मल्टीप्लाई विथ N3 - N1 2a + N3 - 1d मल्टीप्लाई विथ N1 - N2
वन माइनस, अब सुनो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसे, थोड़ा सा क्लोजली समझने का ट्राई करो, पहले ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप इन सबसे, एनी डाउट? समझने का ट्राई करो, देखो मल्टीप्लाई में नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, तुम थोड़ा अपना माइंड यूज करो और समझने का ट्राई करो, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा अभी देखो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? Yes. तो अभी कॉमन है माइनस डी, तो ये जो माइनस वन है ना इसका भी कोई यूज नहीं है, यस और नो? यस सर। नाउ अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, डी कॉमन बेटा, ये मिलेगा आपको n1 n2 माइनस n1 n3 प्लस n2 n3 माइनस n1 n2 प्लस n1 n3 माइनस n2 n3 क्यों करना है इतना यार, ये ऐसे ही करना चाहिए, फटाफट से वैल्यू रखो करो, हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के केस में एक एग्जांपल कंसीडर किया हम लोगों ने, एक एग्जांपल और कंसीडर करो, फिर दोनों एग्जांपल में सेम आंसर आता है फिर टिक करो, और सपोज करो दोनों एग्जांपल्स में आंसर डिफरेंट आ रहा है, मतलब वो आंसर एन पे डिपेंड करता है, ओके? यस सर। चलो यार है ना, ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, आज इतना ही पढ़ते हैं, संडे को क्लास होगा आपका, संडे को हम लोग ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप ये शीट पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है? ओके सर। हाँ और भी कोई डाउट है तो बताओ सर, वो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में डाउट, करो एक बार फिर से ट्राई करो, आज काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हम लोगों ने, फिर से ट्राई करो, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके सर, चलो ओके बाय, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर, ओके सर।